I was going through your Insta and everything, Facebook. आपने डिप्रेशन का आपने पूरा जो द व्हाटएवर यू वेंट थ्रू अपने पूरे फैंस के साथ शेयर किया हुआ अपना पूरा एक्सपीरियंस. I've been doing that for a while now. Why? ये सबसे पहले मुझे बताओ कि डिप्रेशन हुआ कब? When did you realize कि मैं मुझे डिप्रेशन का मर्ज है? सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये एक मर्ज है. हाँ, मर्ज है, नॉर्मल है. नॉर्मल इसमें ये गाली नहीं है, इट्स फाइन. इट्स लाइक एनी अदर बीमारी, जो कि ये एक स्टिग्मा है जो हमें. मैं रीज़न बता देती हूँ कि पहले मैंने बात क्यों. पता तो मुझे ऐसे चला क्योंकि मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती थी. एक अजीब सी नाउमीदी, खुशी नहीं थी, एक इनर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है, दैट वॉज मिसिंग. हैविंग एवरी थिंग इन लाइफ, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, खाते पीते अच्छा है, पहनते उड़ते अच्छा है, नाम है, इज्जत है, काम है, अल्लाह ताला ने फैमिली दी है, सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी किसी चीज़ की कमी है. तो वो एक खालीपन जो था वो मुझे बॉदर करता था. फिर हमारी, जिस तरह की हम इंडस्ट्री में हैं, इट लुक्स वेरी नाइस, दूर से जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत खोखली है. हम बड़े, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इस चीज़ से अग्री करेंगे और बहुत सारे लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगे, बट आई एम नॉट समबडी हुज़ गोना लाई. आई कांट लाई टू माई सेल्फ, आई कांट लाई टू माई ऑडियंस, माई फैंस. आई हैव टू बी ऑनेस्ट. जब आप थोड़ा सा दुनियावी इस तरह की चीज़ों में पढ़ते हैं, हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है, हर किसी की अपनी अपनी कॉलिंग होती है. जब मुझे डिप्रेशन था या मुझे एक बेसुकूनी थी, तो मुझे फील होता था कि मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मैं किसी चीज़ को मिस कर रही हूँ अपनी लाइफ में. पता चला वो क्या चीज़? हाँ, आई थिंक माई कनेक्शन विद गॉड, माई कनेक्शन विद सोशल लाइफ. आई हैड टू डिसकनेक्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को लोगों से दूर करना था, मुझे अपने घर वालों के करीब आना था, मुझे अपनी सोल को क्लीन करने के लिए इस फेक और ये जो ग्लिटर वाली, जो ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, इससे दूर रहना था. तो उस लाइफ में पहले जो लाइफ गुजर रही थी वो दैट वाज फेक, वो बहुत चमकती दमकती लेकिन खोखली. तो उससे जब दूर हुई और जब मैंने नमाज़ पढ़ना 5 वक्त की शुरू की, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कभी कभी कि आप 5 वक्त की नमाजी हैं लेकिन आपकी अक्सर आप कपड़े ऐसे पहनती हैं जिसमें आपकी टांगे नज़र आती हैं. तो मैं कहती हूँ आप वकील बन के मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगे, सो शट अप, आप अपने काम से काम रखें, मैं जानूँ, मेरा रब जाने. लेकिन मेरा जो इफ़त, मैं आपसे सही बात कहूँगी, मेरा जब से ये सोशल लाइफ कम, नमाज की तरफ ध्यान, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान, अपनी फैमिली की जो इम्पोर्टेंस अब मुझे फील होती है. और अपनी तरफ, अपनी वो तो अपनी वो तो होता ही है, वो तो सेल्फ एनालाइजेशन, अपने आप को अंदर से तो खोजना, वो खोज शुरू होती है. आपकी खोज शुरू ही तब होती है जब अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ लाना चाहता है, वरना आप उस तरफ जाते ही नहीं है. तो मुझे लगता है कि अल्लाह को भी लग गया था कि नहीं, अब इसको मेरी ज़रूरत है. और इसने अब जितना ज़िंदगी में मस्ती मजाक, हंसना खेलना, पार्टी, ये वो, दुनिया घूमी, खाया पिया, काम कर लिया, अब इसको बुला लो, नहीं मिली तो अब इसको मेरी तरफ बुलाओ. और राइट मेडिकेशन ऑल्सो, दवाइयाँ ठीक है, मैं आई एम ऑन एंटी डिप्रेसेंट, जो मैं पिछले 4 महीने से खा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फील होता है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या आपने ये बात की क्यों थी, क्यों और शेयर, मतलब पूरी दुनिया के साथ क्यों की? मैंने ये पहली दफ़ा बात नहीं की, मैं बहुत दफ़ा पहले भी जाके यूनिवर्सिटीज़ में, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरा के सामने पहले से कर रही हूँ और आपके बाद बहुत लोगों ने और करना शुरू किया. एब्सोल्युटली मैंने ये बहुत दफ़ा पहले यूनिवर्सिटीज़ में जाके, सिर्फ औरतों के बीच में 200, 400, 800, 1000, 2000 औरतों के मजमे में ये बैठ के एंग्जाइटी की और डिप्रेशन की बात की है. मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो हमने एक छाप लगा दी है कि अगर कोई औरत जो है उसको मेंटल इलनेस है, या अगर कोई औरत है उसको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो वो पागल है. ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी है, मेरा मिशन ही है इस चीज़ को लेके. हालांकि मैं तो ठीक हो गई, अगर ये मैं बात ना भी करूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई रियली डोंट केयर एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है कि मेरे सुनने वाले हैं, क्योंकि इस ये शेयर करने से तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं होना था. नहीं, लेकिन मुझे लेकिन मेरा ये है कि जब मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मैं सही डायरेक्शन में उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना उठाऊँ.
और ये मेरा मिशन सारी ज़िंदगी रहेगा। और मैंने तो अपने साथ ये कसम खा ली है कि ये जो एक छाप लगी हुई है ना कि औरत या मर्द दोनों डिप्रेशन में हैं या ये एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जो ये बात नहीं कर सकते, ये बात तो मैं करवा के पूरी पाकिस्तानियों से तो छोड़ूंगी इंशाल्लाह। इनको तो मैं इस बात को तो मैंने एक नॉर्मल बात में लेके आना है कि ये कोई गुनाह नहीं है, इट्स अ वेरी ये बड़ी आम सी बात है। औरतें बच्चे संभालती हैं, अपना घर देखती हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एग्जैक्टली, आपकी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ आपका पूरा 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 बॉडी सिस्टम चेंज होता है। सेम विद मेन, आदमियों का भी यही होता है कि उनकी भी उम्र के साथ चीज़ें बढ़ती हैं, आपकी एज के ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव जो है उसमें बड़े मसले होते हैं। तो ये जो जाहिलियत है हमारी सोसाइटी में, हमारी हमें जो घरों में बता दिया जाता है कि बेटा ये वाली, अब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बगैर कहे समझ जाएंगे कि हमें लड़कियों को एक सर्टन चीज़ हो गई तो ओ इसके बारे में बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी। अगर आप एक शॉप पे एक चीज़ लेने जाते हैं एवरी मंथ, यू टॉकिंग अबाउट पैड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पैड्स, तो क्यों नहीं भाई, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इफ अ गर्ल इज हैविंग पीरियड, इफ अ गर्ल इज हैविंग पीरियड्स तो उसको उसको क्या कहते हैं उर्दू में, महावारी, व्हाटएवर महावारी, अगर वो है तो वो तो हेल्दी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर वो बीमार है, बहुत ज़रा खतरे की बात है। उस पे सोचिए कि कुछ मसला है लड़की के साथ। अगर वो पैड्स लेने जा रही है तो उसको शर्माने की दुकान वाले से क्यों है जरूरत, मतलब 13 साल की जिंदगी से आपके ऊपर एक शेम का ठप्पा लगा दिया। Exactly. कि ओ कोई गंदी चीज। और अगर कोई औरत किसी थेरेपिस्ट के पास जाती है तो उसको शर्माने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, ये चीजें हमें बदलनी होंगी। वेल, मैं यहाँ पे तुम्हारी ही मूवमेंट को आगे ले जाते हुए, इफ दिस इज एन इशू व्हिच इज नियर टू योर हार्ट, कि मैं पिछले 10 साल से एंटी डिप्रेसन खा रही हूँ एंड आई गो टू अ साइकेट्रिस्ट रेगुलरली, गुड एंड आई फील मच बेटर आफ्टर, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैंने ये जो इंटरव्यू किया है इसके बाद, यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो क्लू इफर्ट, मैंने जितने लोगों के मुझे DM मेरे इंस्टाग्राम पे, बच्चे, बूढ़े, डॉक्टर्स, बच्चियाँ, मोस्टली मैन, एक तो होता है ना कि आप किसी और एंगल में बात करने की कोशिश करते हैं, नहीं, स्ट्रेट अवे के डॉक्टर्स के नंबर दे दें, हमारी मदद करते हैं। बहुत सारी औरतों ने बोला है आपके बोलने की वजह से हम बोलने लग गए हैं, इट्स नॉर्मल, इफ शी कैन टॉक अबाउट इट ऑन अ नेशनल टेलीविजन, वाई कांट वी, हम भी तो कर सकते हैं बात। हम अब डॉक्टर्स के पास जाने लगे हैं, तो मेरा तो मिशन इस तरह से कम्प्लीट हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं किसी जगह जाऊँ तो मैं वो बातें करूं जो लोगों की और मेरे फायदे के लिए हूँ। मैं लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसने किसका डिज़ाइनर का जोड़ा पहन के अवार्ड में बैठ के क्या किया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन किसको डेट कर रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसने किसको कितनी दफ़ा गालियाँ दी और कितनी दफ़ा किसकी कॉन्ट्रोवर्सी। आई रियली डोंट केयर अबाउट दीस थिंग्स, मुझे रियल इश्यूज़ पे बात करनी है। मुझसे अगर कोई बात करे, मैं लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे अपने, मुझे बहुत सारे लोग जब शोज़ में बुलाते हैं तो मैं उनको कह देती हूँ मुझे मत बुलाएं, बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन यू हू इज गोना सिट एंड यू नो गॉसिप अबाउट थिंग्स। मैं हूँ नहीं कि मैं गॉसिप, मैं लोगों की बुराइयाँ करने के लिए नहीं आऊँगी, मेरे साथ बात करनी है रियल इश्यूज़ पर बात करें, अदरवाइज मैं बोरिंग इंसान हूँ। अगर आपने नचवाना है और एक दूसरे के टांग खिंचवानी है तो उसके लिए वी हैव प्लेंटी ऑफ पीपल इन द बिजनेस।